बेलड़ा गांव प्रकरण हरिद्वार में दलित और महिलाओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार पर दलितों का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महारा का कहना है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से दलितों पर अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। दलित बेटियों पर बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार उनको मुआवजा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में घटी घटना, जगदीश आर्य हत्याकांड, उत्तरकाशी जिले में 4 SC/ST की बेटियों के साथ उत्पीड़न की घटना के बावजूद सरकार SC/ST एक्ट के तहत बेटियों को मुआवजा नहीं दे रही है। इसके विरोध में आज कांग्रेसजनों को सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शन में शामिल प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार राज्य की सत्ता में आई है तब से दलितों और कमजोर वर्गों के साथ जातीय जुर्म और अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा और न्याय देने की मांग की है। कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, मांगे करता है, मुख्यमंत्री हामी भरते हैं, जनजाति अनुसूचित जाति आयोग आता है, वो कुछ वादे करके जाता है, किसी पर भी अमल नहीं होता है। अमल होना तो दूर रहा, जो एक मानवीय कर्तव्य था, जो एक परंपरागत तौर पर यदि कहीं कोई व्यक्ति एक्सीडेंट का भी शिकार होता है, मरता है, यहाँ तो हत्या हुई है, यहाँ तो मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन जो ऐसे भी एक्सीडेंट का शिकार होता है उसको भी शासन मदद करता है और यहाँ पीड़ित परिवार असहाय हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, बाप रो रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चे कैसे पालें इसका सवाल है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक पैसा भी मदद के तौर पर नहीं दे रही। एक दोहरे मापदंड राज्य के अंदर, एक तरफ दलित वर्ग के लिए और दूसरे मापदंड जो दूसरे लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। ये सबसे आक्रोशित लोग आज राज्य के कोने कोने से यहाँ पर आए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से SC/ST पे अपराध बढ़े हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, अगर बलात्कार हो रहे हैं तो उनको मदद नहीं की जा रही। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। अभी हरिद्वार क्षेत्र में जो घटना घटी उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए, आप चाहे उन पर मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाए गए हों, चाहे उनको प्रताड़ित किया गया हो। जगदीश आर्या हत्याकांड जो सल्ट में हुआ उसमें जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई वो आप सबने देखा है। उत्तरकाशी जनपद में 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हुआ और मेरे एक महीने पहले प्रेस करने के बावजूद भी वो फाइल आज तक मुख्यमंत्री के यहाँ है। जो कानूनी तौर पर SC/ST एक्ट के तहत उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, जो पोक्सो एक्ट के तहत उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। उसके अलावा पिंकी हत्याकांड है, अन्य हत्याकांड है जिसके बारे में आप लोग कई बार दिखा चुके हो। और अभी एक अधिवक्ताओं की सूची जारी हुई, सरकारी अधिवक्ताओं की, 75 के आसपास उस पर नाम है, लेकिन एक भी SC उस पर नहीं लिया गया, एक भी माइनॉरिटी का आदमी नहीं लिया गया। ये साबित करता है कि बीजेपी SC/ST के विरोध में है और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ताकि हम ये कह सकें कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, आप राष्ट्र में जो कानून है, जो हमारे को संविधान ने अधिकार दिया है, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं। इसीलिए आज ये सम्मेलन भी है, इसीलिए धरना प्रदर्शन भी है। दलितों और कमजोर तबके का जो शोषित समाज है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जातियाँ जुल्म अत्याचार बढ़ चुके हैं और लगातार बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हो रही हैं। बेलड़ा इसका एक उदाहरण है, जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत एक दलित युवक की हत्या हो जाती है और उन अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है और सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आश्वस्त किया जाता है कि हम इसमें गढ़वाल के आयुक्त और गढ़वाल के IG इसकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे और 15 दिन में ये जांच रिपोर्ट सरकार को मिलेगी और
जो पीड़ित परिवार है, जिसके परिवार के हत्या हुई है युवा नौजवान की, उस परिवार को न्याय भी मिलेगा, उसको आर्थिक इमदाद भी मिलेगी। लेकिन सरकार ने चुप्पी साध दी है। पूरे प्रदेश में डर और भय का वातावरण है, सहमे हुए हैं लोग, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अकलितों के लोगों में डर का भाव है। इसी को लेकर आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने, विभाग ने एक धरने का आयोजन किया है, और ये लड़ाई हमारी यहीं पर खत्म नहीं होगी। हम अन्याय के खिलाफ, जाति के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को धार देंगे। जी, डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।